शूटिंग लोकेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? आशिकी और आशिकी 2 की शूटिंग कहाँ होती है? क्या शूटिंग लोकेशंस म्यूजिक और कास्ट को देखकर सिलेक्ट किए जाते हैं? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्लैड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। फिल्म लोकेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक मूवी में। अगर लोकेशन मूवी के हिसाब से मिल जाए तो स्टोरी टेलिंग एकदम निखर के आती है। और बॉलीवुड में सारी मूवीज म्यूजिक हैवी होती है, उसके सॉन्ग के सीक्वेंस की लोकेशन ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो सॉन्ग एकदम निखर के आए। इसीलिए आज हम आपको सारी मूवीज के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में कुछ ना कुछ बताने वाले और आशिकी फ्रेंचाइज से जुड़ी हुई कुछ बातें भी हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं ऑन लोकेशन शूट से। एक्चुअल शूट लोकेशन फिल्म में एक ऑथेंटिसिटी फैक्टर प्ले करता है। एक इम्पैक्टफुल स्टोरी के लिए लोकेशन बहुत बड़ा वेपन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें VFX के दौर की तो VFX के थ्रू बैठे बैठे ही एक लोकेशन सेट करी जा सकती है, लेकिन वो बात उसमें कहाँ जो एक असली लोकेशन में होती है। इसलिए फिल्म मेकर्स हमेशा प्रेफर करते हैं ऑन लोकेशन शूट्स। और अगर हम बात करें ऑन लोकेशन शूट्स के इम्पोर्टेंस की तो आपको बता दें कि वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले करता है फिल्म में। मान लीजिए कि वो एक बैकग्राउंड में बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो अपने कैरेक्टर को बयां कर रहा है। अब करते हैं बात 90s की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म आशिकी की शूट लोकेशन के बारे में। इस फिल्म के मैक्सिमम सीन्स जो है वो शूट हुए थे मुंबई, ऊटी और तमिलनाडु जैसी जगह में। फिल्म की सबसे मेन हाईलाइट ऑफकोर्स म्यूजिक थे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे और जिसे विजुअली प्लीजिंग बनाने का काम किया था स्टनिंग फिल्म लोकेशन ने। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के लोकेशन ने बहुत बड़ा काम किया था। फिल्म का गाना जाने जिगर जाने मन ऊटी के बोटानिकल गार्डन, 9th Mile और डोरा बेटा में शूट हुआ था। तो वही सॉन्ग नजर के सामने जिगर के पास मुंबई के फेमस हैंगिंग गार्डन में फिल्माया गया था। जिस तरह फिल्म सीन्स में लोकेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वैसे ही फिल्मी गानों में भी परफेक्ट लोकेशंस का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म्स में स्टोरी टेलिंग को अच्छी तरह से बयां करना काफी बार सॉन्ग्स पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए राइट लोकेशन, मूड एक्सप्रेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नरेटिव को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। यही कुछ हुआ था आशिकी 2 के साथ भी, जिसकी अधिकतर शूट तो मुंबई में ही हुई थी और गोवा में भी, क्योंकि स्टोरी और म्यूजिक को कुछ इस तरह का लोकल बनाया गया था, लेकिन स्टोरी डिमांड के हिसाब से फिल्म को एक एग्जॉटिक लोकेशन की नीड थी। इसीलिए टीम मूव कर गई साउथ अफ्रीका के केप टाउन में और वहां सॉन्ग हम मर जाएंगे को परफेक्टली पोर्ट्रे किया गया और वो वाली सब्लाइम लोकेशन भी मिल गई थी। अब अगर हम बात करें अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 की तो इसकी शूट लोकेशन काफी हद तक इसके म्यूजिकल टाइप पे डिपेंड करती है, और क्योंकि हर एक सिटी की अपनी म्यूजिकल वाइब होती है, तो अगर इसके म्यूजिक को मॉडर्न हिप हॉप यानी कि बनाना जाए तो मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसी बिग सिटी इसका हिस्सा बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मॉडर्न म्यूजिक रेंज को एक्यूरेटली डिपिक्ट करती है। और अगर इसके म्यूजिक को थोड़ा सा क्लासिकल मॉडर्न टच देना है तो फिर मेकर्स कल्चरल ट्रेडिशनल लोकेशन को भी ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बैकग्राउंड वाले स्मॉल टाउन को ऑफ करके फायदा ये होगा कि फिल्म के म्यूजिक में वहां के फोक म्यूजिक का एक लोकल टच आ जाएगा जो कि ऑल टुगेदर फ्रेश इफेक्ट ला सकता है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना है बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।